मैदान में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। जीतने के लिए वो जान की बाजी लगा देता है। कभी इस पार इतिहास बनते बनते रह जाता है और कभी उस पार पहुंचने वाला इतिहास बनाता है। यहां हार जीत का फासला पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन इस फासले को तय करने में जिंदगियां लग जाती हैं। जी हां, जिंदगियां। टैलेंट को जब मिलती है सही ट्रेनिंग, तब बनते हैं चैंपियन। मध्य प्रदेश सरकार का खेल और युवा कल्याण विभाग इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है। यहां ट्रेनिंग कर चुके विभिन्न खेलों के खिलाड़ी अब तक देश के लिए 832 अंतरराष्ट्रीय और 3467 राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। खेलों की यह दुनिया हर किसी का स्वागत करती है, वो जिन्हें खेलों को जिंदगी में शामिल करना हो या फिर वो जिनकी जिंदगी का मकसद ही खेल हो। प्रोत्साहन, पहचान और प्रशिक्षण, इस मंत्र पर चलते हुए सन 2006 में मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमियों की शुरुआत से लेकर अपने खेल कौशल को निखारते हुए हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश शासन, माननीय खेल मंत्री और खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आज प्रदेश का नाम पूरी देश दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आज दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ी भी यहां आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। विश्व स्तरीय अधोसंरचना और उन्नत सुविधाओं के साथ 2007 में स्थापित मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी भी इसी लक्ष्य प्राप्ति में अपना सहयोग दे रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाने में मार्शल आर्ट अकादमी के खिलाड़ी भी कहीं पीछे नहीं है। अकादमी के खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, कुश्ती, फेंसिंग और कराते में कुल 193 अंतर्राष्ट्रीय और 1570 राष्ट्रीय पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त इन विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ निश्चित ही निरंतर हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है। ये तो बात हुई मैदानों की, जहां मुकाबले होते हैं, लेकिन मुकाबलों से पहले जरूरी होती है तैयारी जीत की, जिसके लिए स्टेडियम परिसर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी है। मध्य प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों में ऐसे कई खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्हें विभाग द्वारा टैलेंट सर्च अभियान के तहत चुना गया था। प्रतिभाएं तलाशने और तराशने का ये काम आज भी लगातार जारी है। इसे यूं समझें कि बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन ही जीत की असल तैयारी है। लगातार हर बार कोशिश लंबी से लंबी दूरी मापने की और ऊंची से ऊंची छलांग लगाने की। उम्मीद है ओलंपिक में मेडल लेने के लिए जब मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपना सर झुकाएंगे तो करोड़ों भारतीयों का सर गर्व से उठाएंगे। हम छुएंगे आसमां। हिंदुस्तान को 120 करोड़ का देश है, दुनिया का नंबर 1 खेलों में हमको बनाना है। मध्य प्रदेश अपनी तरफ से योगदान देने में कोई कमी नहीं रखेगा।